सुलगला न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। प्रतापपुर चौकी पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एक अभियुक्त को कुंडा थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। काशीपुर एसओजी टीम ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। रात्रि में गश्त के दौरान दो पुलिस कर्मियों ने बचाई बुजुर्ग की जान। नगर निगम टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाया अभियान। आईटीआई थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सीपीयू टीम ने काटे 11 ई रिक्शाओं के चलान। आंवला एकादशी के अवसर पर किया गया महिलाओं की होली का आयोजन। एक अदद तमंचे के साथ अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु प्रतापपुर चौकी पुलिस ने एक अभियुक्त को सैनिक कॉलोनी पुलिया से गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से 900 ग्राम अफीम बरामद की। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। यार अप्रिय भाई बीच में मत लाओ यार। मादक पदार्थों की जो तस्करी में लगे हैं या जो बेचने में लगे हैं इनके विरुद्ध लगातार अभियान चला के इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्रतापपुर चौकी को कल सफलता मिली है। यह सतविंदर सिंह है और इसको 900 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया है। इसके साथ पूछताछ करने में कुछ महत्वपूर्ण हमें जानकारियाँ मिली हैं कि ये कहाँ से ले जाते थे और कहाँ पर ये ले जा करके इसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे। इसमें एनडीपीएस के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु अभियान में कुंडा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को पुराने ढेला पुल के पास से गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद की। अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत कुंडा पुलिस को पुनः एक बार सफलता मिली है और कल इंस्पेक्टर कुंडा के नेतृत्व में जो टीम है उसको 12 ग्राम स्मैक के साथ एक जाहिद नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है। इसके संबंध में काफ़ी दिनों से शिकायतें भी मिल रही थी और फाइनली इसको पकड़ने में हमारी टीम को सफलता मिली है। इसको एनडीपीएस की मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष इसको हम आज पेश करेंगे। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा अवैध क्रियाकलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में काशीपुर एसओजी टीम ने बीती रात गश्त के दौरान थाना साबिक से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से एक सट्टा डायरी पैन व सट्टे की खाई बाड़ी करते हुए 2150 रुपए नगद बरामद किए। अभियुक्त के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। कृष्णा मेहंदियन टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में एसआरएस मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। काशीपुर चीमा चौराहे पर लगे भारी जाम को एसएसआई प्रदीप मिश्रा और एसआई दीपक जोशी ने पुलिस टीम के साथ खुलवाया। इसी दौरान पुलिस कर्मी वीरेंद्र प्रताप ने देखा कि एक बाइक सवार बुजुर्ग अनियंत्रित होकर बाइक सहित सड़क पर गिर गए। उसी समय पुलिस कर्मी वीरेंद्र प्रताप और सीपीयू कर्मी सुंदर राठौर ने तुरंत दौड़कर बुजुर्ग युवक को बचाया, साथ ही बाइक उठाकर उनकी मदद भी की। काशीपुर नगर निगम टीम द्वारा लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते दोनों सहायक नगर आयुक्त यशवंत राठी और विनोद लाल शाह सहित नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ने सिंगल यूज प्लास्टिक अभियान चलाकर कुल 64 व्यक्तियों और दुकानों के चालान काटे, साथ ही 22,900 रुपए का दंड वसूला है। सर, नगर निगम काशीपुर के अंतर्गत पिछले 2-3 दिनों से हमारी नगर निगम की 4 टीमें बनी हुई हैं, जो लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंधित पॉलीथीन के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर रही है। विगत दिनों हमने 64 चालान किए हैं और 22,900 रुपये की धनराशि वसूली है और यह निरंतर कार्रवाई गतिमान रहेगी। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा अवैध शस्त्रों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आईटीआई थाना पुलिस ने ग्राम बैलजुड़ी से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से एक नजायज चाकू भी बरामद किया। अभियुक्त के खिलाफ अस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में सीपीयू टीम द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कल सीपीयू टीम ने 11 रिक्शों के चालान काटे।
साथ ही सीपीओ प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि क्षेत्र में जितने भी रिक्शा चालकों ने फिटनेस नहीं करवाई है उन सभी के चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जनता से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने, ट्रिपल राइडिंग न करने और सीट बेल्ट का प्रयोग करने की अपील की है। हमारे द्वारा कल 11 ई रिक्शे सीज किए गए हैं और कुछ के खिलाफ जो है कोर्ट की कार्रवाई की गई, कोर्ट चालान कार्रवाई की गई। आगे भी इस तरीके का अभियान और ये अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक जो है सभी रिक्शे जो है बिना उसके नाम बिना फिटनेस चलते रहेंगे या बिना डीएल बिना नंबर प्लेट चलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी और जो रिक्शे प्रतिबंधित क्षेत्र में आते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लो पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। काशीपुर में गिरिताल रोड स्थित चामुंडा मंदिर के प्रांगण में आज आवरा एकादशी के अवसर पर महिलाओं की होली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हर साल चामुंडा मंदिर में होली पर्व मनाया जाता है, वहीं इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उत्सव में हिस्सा लिया। साथ ही होली के भजनों से मंदिर प्रांगण भक्तिमय हो गया। हर साल होली की एकादशी के दिन होली होती है और ये चामुंडा मंदिर में मनाई जाती है। इसके बाद सब लोग अपने घर घरों में होली बनाते हैं और ये फिर उसको पूजने के बाद होली के दिन दहन होता है। होली की दहन के दिन भी रात को यहाँ होली होती है मंदिर में और होली का जिस दिन खेली जाती है उस दिन यहाँ सब लोग 11 बजे से सब लोग होली यहाँ खेलते हैं और माता सब बच्चों का नाम लेते हैं, सारे परिवार का नाम लेके, उनके आशीर्वाद लेके, उनके गोत्रों का नाम लेके, सारे नाम लेके तब होली यहाँ से सब लोग समाप्त करके मुंह जूठा करके तब अपने घर जाते हैं। यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का चामुंडा मंदिर का यहाँ का रीति रिवाज ऐसा है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान में कोतवाली पुलिस ने जुड़का से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से एक अदंत तमंचा भी बरामद किया गया। अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। का लड़का है और इसने अपनी जो सोशल मीडिया आईडी थी उस पर पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के और तमंचे का प्रदर्शन करके और आस पड़ोस में एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया था। इसी क्रम में इसको वेरीफाई करने के बाद ये यहीं कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत जुड़का का रहने वाला है, इसको हमने अरेस्ट कर लिया। इसके पास से 315 बुक का तमंचा, एक जिंदा कारतूस मिला है। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिला न्यूज के साथ। धन्यवाद।